नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है वी फॉर विनोवेटिव में। मेरा नाम है विनोद साहू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं, आखिर क्यों चाइनीज मोबाइल इतने सस्ते होते हैं और आखिर क्यों इंडिया उनसे कम्पीट नहीं कर पाता और इंडिया के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं। तो हम बारी बारी से बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है, वो होता है लेबर्स, यानी कि श्रमिक। जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जितनी भी लेबर होती, जितने भी श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, वो वहाँ पर बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं। दूसरी बात यह कि वहाँ पर जो कंपनीज की जो पॉलिसी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। कई बार वहाँ पर ऐसा होता है कि रात रात भर कंपनीज में वर्कर्स काम करते हैं। यही श्रमिक, यही वर्कर्स जब उनको कम रेट में मिलते हैं तो ऑटोमेटिक उनके प्रोडक्ट का रेट कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर है कि चीनी कंपनीज चीप मार्केटिंग करती हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा अपने मार्केटिंग में खर्च नहीं करती है, बहुत बड़े बड़े शोरूम नहीं बनाती है और इसी वजह से कई बार उनके प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं। तीसरा फैक्टर है कंपनीज को सुविधा। वहाँ की सरकार कई बार उन कंपनीज को बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, जमीन की हो, फैक्ट्री की हो, इस तरह की कई सारी सुविधाएं देती है और वहाँ की कंपनी हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। और जब भी वहाँ से बहुत सारा सामान दूसरी कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट होता है तो उस पर बहुत कम ड्यूटी या फिर ड्यूटी नहीं ली जाती है और इस कारण से चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है ऑनलाइन सेल्स। कई सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के, तो उसमें होता क्या है कि उनको डीलरों को काफ़ी मोटा कमीशन नहीं देना पड़ता है और इस तरह से उनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सस्ता हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स करने में उनको किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट नहीं करना पड़ता है और डायरेक्ट ही उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट है रिसर्च में छूट। कई सारी बड़ी कंपनियां जब अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारती हैं तो वो उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करती हैं, R&D करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, तो उसकी वजह से उनकी काफ़ी सारी मेहनत जाती, काफ़ी सारा पैसा जाता है और उनके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन चाइना में ऐसा रूल है कि वहाँ पर इस तरह का कोई भी, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी करते हैं तो वहाँ की सरकार आपको कुछ नहीं देती है, कुछ नहीं करती है और कानूनन आपको किसी भी तरह का कोई भी दंड नहीं मिलता है, इसलिए रिसर्च में उनका काफ़ी पैसा बच जाता है और वो किसी भी प्रोडक्ट को ईजिली कॉपी कर लेती है और मार्केट में उतार देती हैं, इसलिए वहाँ के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है क्वालिटी का। दोस्तों, हम सबको पता है कि चाइना के जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी लो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना हर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है, हाई, मीडियम और लो, लेकिन उसके जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो होते हैं लो क्वालिटी के, इसलिए दुनिया भर में उसके प्रोडक्ट की इतनी सारी डिमांड होती है। लेकिन हम सबको पता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की लो क्वालिटी रहेगी तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड, उसका पैसा भी कम ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको पता चल गया होगा कि चाइना के प्रोडक्ट्स आखिर इतने सस्ते क्यों होते हैं। अब मैं आपको एक और इसमें एडिशन करना चाहता हूं कि आखिर इंडिया क्यों इतने सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं बना पाती है। कई बार इंडिया की जो कंपनीज है उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। हालांकि कहने को अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए रूल्स लेके आई है लोन्स के लिए या फिर MSMEs के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आई है, लेकिन पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी। अगर हम लेबर की बात करें तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है, लेबर के लिए बहुत सारे कड़े कानून हमारे यहाँ पर है। कॉपीराइट का कानून भी हमारे इंडिया में बहुत है, जिसकी वजह से हम इजीली किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, यही सारी वजह है जिसकी वजह से चाइना के प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं और बाकी देशों के प्रोडक्ट थोड़े महंगे, और कहना चाहिए इंडिया के प्रोडक्ट भी थोड़े महंगे। तो दोस्तों, यही तक था आपको और हमारा साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए V4 Innovative को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।